हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग करेंगे औद्योगिकीकरण का युग। औद्योगिकीकरण का युग क्या होता है, जिसमें कि वो समय जिसमें कि बहुत विभिन्न तरह के उद्योगों का निर्माण और स्थापना होने लगा और उनसे बने हुए प्रोडक्ट का, सामानों का समाज में उपयोग बढ़ने लगा, तो उसी को हम औद्योगिकीकरण का युग कहते हैं। डॉन ऑफ द सेंचुरी इसमें क्या है, ये एक फोटो है जो कि न्यूयॉर्क की म्यूजिक कंपनी के द्वारा, जिस म्यूजिक कंपनी का नाम था ई टी पाल म्यूजिक कंपनी ने सन 1900 में संगीत की एक किताब प्रकाशित की थी और उसकी जो पोस्टर था, जो सबसे बाहरी पेज होता है, उस पर जो है एक तस्वीर बनाई थी नई सदी के उदय का, डॉन ऑफ द सेंचुरी। ठीक है, जैसे कि सनराइज होता है तो उदय बोलते हैं, उदय होना, सन का निकलना, तो उसी को डॉन ऑफ द सेंचुरी। इसी तरह से किसी सेंचुरी का शुरू होना, जैसे कि 19वीं सदी जब शुरू हुई तो उसको डॉन ऑफ द सेंचुरी कैलान किया था। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, तस्वीर के मध्य में एक देवी जैसी तस्वीर है। यह देवी हाथों में नई शताब्दी की ध्वजा लिए प्रगति का फरिश्ता दिखाई देती है। मीन्स कि धरती पर जो है कि बहुत सारे तरह के विकास हो रहे थे, प्रगति हो रही थी, और उसमें जो है यह जो है उसका एक पैर जो है पंखे वाले पहिए पे टिका है। यह पहिया जो है समय का प्रतीक है, उसकी उड़ान भविष्य की ओर है, उसके पीछे उन्नति के चिन्ह तैर रहे हैं। मीन्स कि इनके पीछे जो है उन्नति के जो चिन्ह है, जैसे कि कैमरा हो गया, कैमरा जो है बहुत बड़ा एक, आप देख ही सकते हैं कि कैमरे के ही उपयोग से जो है कि जितनी फिल्में और चीज़ें बन रही हैं और फोटो खींचे जाते हैं, ये सारे के सारे कैमरे से ही संभव हो पाते हैं। रेलवे हो गया, तो रेलवे का भी बहुत बड़ा योगदान है विकास में, क्योंकि रेलवे से ही ये संभव हो पाया कि कम से कम खर्चे में हम एक जगह से दूसरी जगह जो है पहुंच जाते हैं, और बहुत ही आराम से बैठ के कंफर्टेबली एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेज़ी से पहुंच जाते हैं। तो रेलवे का भी, और मशीनें, प्रिंटिंग प्रेस और कारखाने, ये सारी के सारे फोटो जो हैं, ये सारे के सारे फिगर जो है इस देवी के पीछे तैर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों का उदय जो है होने लगा था। तो उस समय जो है जब ये फोटो बनाया गया तो ये दिखाया गया था कि यह जो फोटो है और इसके पीछे जो चीज़ें तैर रही हैं, ये सारी चीज़ें जो है इस सेंचुरी में उदय हुई हैं और ये जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली हैं इस नई सेंचुरी के विकास में। मशीन और तकनीकी का यह महिमा मंडन एक अन्य तस्वीर में भी ज़्यादा साफ दिखाई देता है। यह तस्वीर एक व्यापारिक पत्रिका के पन्नों पर 100 साल से भी पहले छपी थी। इस तस्वीर में दो जादूगर दिखाए गए हैं, ऊपर वाले हिस्से में प्राइज ओरिएंट का अलादीन, और जिसने अपने जादुई चिराग को रगड़ कर एक भव्य महल का निर्माण कर दिया। ठीक है, यहाँ पे यह जो है फोटो, यह भी एक मैगजीन का है जो कि 100 साल, यह जो है मीन्स कि आज से 100 साल पहले की बात हो रही है। तो 1901 में यह चित्र छापा गया था, इंग्लैंड के प्रिंटर्स ने इसे प्रकाशित किया था 26 जनवरी 1901 को। इसमें एक आदमी जो है अपने अलादीन के चिराग को रगड़ के एक बड़ा सा खूबसूरत महल बना देता है। एक आधुनिक मैकेनिक है जो अपने आधुनिक औजारों से एक नया जादू रच रहा है। मीन्स कि एक मैकेनिक है, मीन्स कि ये दोनों जादूगर ही है, और वह पुल, पानी के जहाज, मीनार और गगनचुंबी इमारतें बनाता है। तो यह जो 19वीं सदी जब शुरू हुई थी, ठीक है, मीन्स कि 20वीं सदी, तो उसके शुरुआत में ही हमें इस सदी में क्या क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें हमारी आंखों के सामने तैरती हुई सी थी। जैसे कैमरा आ गया था, रेलवे का विकास हो रहा था, कारखानों का विकास हो रहा था, ठीक है, और प्रिंटिंग प्रेस का विकास हो रहा था। तो इन सारी चीज़ों से हमारे जीवन में आज जितनी
भी चीज़ें हम यूज करते हैं, ये जो चीज़ें तैर रही हैं इस देवी के पीछे फोटो में, उसी का तो रिजल्ट है। ये सारी चीज़ें, प्रिंटिंग प्रेस, मशीनें, इन्हीं का तो रिजल्ट है। आज जिन चीज़ों का हम यूज कर रहे हैं ये इन्हीं सारे व्यापार और कारखानों की प्रोडक्ट है। उसी तरह से यह जो फोटो छपा है इसमें एक मैजिशियन है और एक मैकेनिक है, तो ये दोनों ही जादूगर है। और इसको इस तरह से कुछ फोटो में बनाया गया है कि ये दोनों जादूगर है। देखो कैसे ये अलादीन का चिराग रगड़ के इतनी खूबसूरत इमारतें बना देता है, और ये जो है कितनी खूबसूरत जो है पुल बना देता है, पानी में चलने वाली जहाजें बना देता है, मीनार और गगनचुंबी इमारतें बना देता है। अलादीन पूर्व और अतीत का प्रतीक है, मैकेनिक पश्चिम और आधुनिकता का प्रतीक है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें, ये तस्वीरें आधुनिक विश्व की विजय गाथा कहती है। मीन्स कि अभी जो युग चल रहा है इसके बारे में पहले ही जो लोगों ने कल्पना की थी उसी चीज़ को उन्होंने जो है प्रिंटिंग प्रेस मीन्स कि अपने मैगजीन पे प्रकाशित किया था। ठीक है, तो इस गाथा और आज ये चीज़ें पूरी तरह से साकार हो चुकी हैं और इनका हम रोज़ अपने आँखों के सामने यूज़ देखते हैं और करते हैं। इस गाथा में जो है कि आधुनिक विश्व द्रुत तकनीकी बदलाव, आविष्कारों, मशीनों व कारखानों, रेलवे और वास्पातों की दुनिया के रूप में दर्शाया गया है। तो यह जो पूरी गाथा है इसमें तकनीकी में बदलाव जो हुए, मशीनों और कारखानों का, रेलवे और वास्पपोतों का दुनिया के रूप में दर्शाया गया है। इसमें औद्योगिकरण का इतिहास विकास की कहानी के रूप में सामने आता है और आधुनिक युग तकनीकी प्रगति के भव्य युग के रूप में उभरता है। अब ये छवियां और ये समल लोक मानस का हिस्सा बन चुके हैं। क्या आप भी तेज औद्योगिकरण को प्रगति व आधुनिकता के काल के रूप में नहीं देखते? क्या आपको नहीं पता कि रेलवे और फैक्ट्रियों का निर्माण, गगनचुंबी इमारतों व पुलों का विस्तार समाज के विकास का द्योतक होता है? ये छवियां किस प्रकार विकसित हुई है, इन विचारों से हमारा क्या संबंध है? क्या औद्योगिकरण के लिए तीव्र तकनीकी विकास हमेशा जरूरी होता है? क्या आज भी हम तमाम तरह के कामों के दिनों रात बढ़ते मशीनीकरण का गुणगान कर सकते हैं? औद्योगिकरण से लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ा? ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए हमें औद्योगिकरण के इतिहास को समझना पड़ेगा। एक अध्याय में हम यह इतिहास पढ़ेंगे। यहाँ हम दुनिया के पहले औद्योगिक राष्ट्र ब्रिटेन और उसके बाद भारत में औद्योगिक का अध्ययन करेंगे, जहाँ औद्योगिक बदलाव का पैटर्न अब शासन से तय हो रहा है। ठीक है, औद्योगिक क्रांति से पहले तो ये जितने भी उद्योग हैं ये बनते गए, और इनसे पहले क्या हुआ? औद्योगिकरण को अक्सर हम कारखानों के विकास के साथ ही जोड़कर देखते हैं। जितने भी उद्योग होते हैं उनको हम जो है कारखानों का विकास ही मानते हैं। तो जब हम औद्योगिक उत्पादन की बात करते हैं, जैसे उद्योगों में जो चीज़ें बनती थी उसी को हम औद्योगिक उत्पादन कहते हैं, तो फैक्ट्रियों में होने वाले उत्पादन से होता है। जब हम औद्योगिक मजदूरों की बात करते हैं तो हमारा आशय कारखानों में काम करने वाले मजदूरों से ही होता है। मीन्स कि इतिहास में ही इन फैक्ट्रियों का निर्माण या स्थापना शुरू हो गया था, पर इस सोच में एक समस्या है। दरअसल इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से भी पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। यह उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था। बहुत सारे इतिहासकार औद्योगिकीकरण के इस चरण को आदि औद्योगिकीकरण का नाम देते हैं। 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांवों की तरफ रुख करने लगे थे। तो 17वीं 18वीं जो सदी शुरू हुई थी, तो उसी समय जो है यूरोप के जो शहर हैं वहाँ से बहुत सारे व्यापारी गांव की तरफ जाते थे, और गांव में जो किसान और कारीगर होते हैं उनको पैसे देते थे और उनसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन करवाते थे, और वो लोग जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन करते थे। उस समय विश्व व्यापार के विस्तार और दुनिया के विभिन्न
भागों में उपनिवेश की स्थापना के कारण चीजों की मांग बढ़ने लगी थी। इस मांग को पूरा करने के लिए केवल शहर में रहते हुए उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता था। वजह यह थी कि शहरों में शहरी दस्तकारी और व्यापारी गिल्ड्स काफी ताकतवर थे। ये गिल्ड्स उत्पादकों के संगठक होते थे। गिल्ड्स से जुड़े उत्पादक कारीगरों को प्रशिक्षण देते थे, उत्पादकों पर नियंत्रण रखते थे, प्रतिस्पर्धा मूल्य तय करते थे तथा व्यवसाय में नए लोगों को आने से रोकते थे। शासकों ने भी विभिन्न गिल्ड्स को खास उत्पादों के उत्पादन और व्यापार का एक अधिकार दिया हुआ था। फलस्वरूप नए व्यापारी शहरों में कारोबार नहीं कर सकते थे, इसलिए वे गांव की तरफ जाने लगे। गांव में गरीब कष्टकार और दस्तकार सौदागरों के लिए काम करने लगे। जैसा कि आपने पिछले साल की पाठ्य पुस्तक में देखा है, यह एक ऐसा समय था जब खुले खेत कम होते जा रहे थे और कॉमन्स की बड़ाबंदी भी की जा रही थी। अब तक अपनी रोजी रोटी के लिए साझा जमीनों से जलावन की लकड़ियां, बोरियां, सब्जियां, भूसा, चारा आदि बीनकर काम चलाने वाले छोटे किसान और गरीब किसान आमदनी के नए स्रोत ढूंढ रहे थे। यहाँ पे क्या हो रहा था कि गांव में जो गरीब कष्टकार थे और दस्तकार थे सौदागरों के लिए काम करने लगे थे। और जैसे कि आपने पिछले साल देखा, एक ऐसा समय था जब खुले खेत कम होते जा रहे थे, मीन्स की बिल्डिंगें बनती जा रही थी और काम मंस की बाड़ाबंदी की जा रही थी। अब तक अपनी रोजी रोटी के लिए साझा जमीनों से जलावन की लकड़ियां, बोरियां, सब्जियां, भूसा और चारा आदि बिन कर काम चलाने वाले छोटे किसान कटेजर और गरीब किसान आमदनी के नए स्रोत ढूंढ रहे थे। बहुतों के पास छोटे मोटे खेत तो थे, लेकिन उनके घर लोगों का पेट नहीं भर सकते थे। इसलिए जब सौदागर वहां आए और उन्होंने माल पैदा करने के लिए पेश, किसान फौरन तैयार हो गए। सौदागरों के लिए काम करते हुए गांव में ही रहते हुए अपने छोटे छोटे खेतों को भी संभाल सकते थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने देखा कि औद्योगिकीकरण का युग के बारे में। तो यह जो है हमारा पहला वीडियो है, अगर ये औद्योगिक क्रांति से पहले क्या क्या चीज़ें हुई थी औद्योगिकीकरण का युग। तो यह जो है वीडियो आपको कैसा लगता है, लगा तो इस तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए और शेयर करिए। और इसका बाकी का पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊँगी। एक ही वीडियो में काफ़ी लंबा हो जाएगा क्योंकि यह बहुत ही बड़ा चैप्टर है और इसको हम लोग समझते हुए चलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।